बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट भोजपुर व राष्ट्रीय महिला शिक्षक भोजपुर के संयुक्त बैनर तले जिला समरणालय आरा के समक्ष शिक्षकों का विशाल प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों का प्रदर्शन जत्था ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ अपनी मांगों को लेकर नारा लगाते हुए रमना मैदान झंडोत्तोलन स्थल से शुरू होकर जिला समरणालय विद्या भवन जिला परिषद होते हुए SP कार्यालय के रास्ते पुनः झंडोत्तोलन स्थल पर धरना कार्यक्रम में तब्दील हो गया, जहां एक सभा आयोजित की गई। इस विशाल प्रदर्शन धरना के माध्यम से प्रमुख मांगों से संबंधित 21 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम जिला पदाधिकारी भोजपुर को शिष्टमंडल के द्वारा समर्पित किया गया। प्रमुख मांगों में नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करना, प्रधानमंत्री पोषण योजना से प्रधानाध्यापकों को मुक्त कराना, नियोजित शिक्षकों का 15% बढ़ोतरी के साथ जनवरी फरवरी 2022 का वेतन मार्च तक भुगतान सुनिश्चित कराना, जिले के सभी कोटि के शिक्षकों का माह जनवरी फरवरी 2022 का वेतन होली से पहले भुगतान सुनिश्चित कराना, नियोजित शिक्षकों के सातवें पुनरीक्षित वेतन एरियर का सामूहिक रूप से मार्च तक भुगतान कराना रहा है। उपरोक्त जायज मांगों को लेने हेतु आज 12 मार्च शनिवार को हजारों हजार की संख्या में रमना मैदान पहुंचकर और अपनी ताकत और एकता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में के पश्चात धरना में संघ महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। संघ के द्वारा 24 मार्च को राज्य स्तरीय विशाल प्रदर्शन में हजारों की संख्या में पटना पहुंचने का आह्वान किया गया। धरना कार्यक्रम को मुख्य रूप से प्रियंका सिंह कुमारी, अलका, आशा कुमारी, मंजू कुमारी, अंजनी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, चुन्नी कुमारी, चंचला, प्रतिमा उपाध्याय, उमेश कुमार, सुमन, कमलेश कुमार, धर्म कुमार राम, मनोज कुमार, किरण कृष्णा सिंह, विमल, डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, केदारनाथ सिंह, मनीष कुमार, अरविंद कुमार, महेश बैठा, मनोज कुमार सिंह, मंटू कुमार, अरविंद कुमार ने संबोधित किया। इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ गोट जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पुरानी पेंशन योजना लागू करना होगा, पुरानी पेंशन योजना लागू करना होगा, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करना होगा, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बिहार सरकार मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन योजना लागू करना होगा, पुरानी पेंशन योजना लागू करना होगा, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। ये धरना किसे दिया जा रहा बैठक करके? धरना के कई उद्देश्य है। पहले आप जान लीजिए कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोष्ठी जो है, यह धरना आज 12 तारीख को यहाँ है और अगले 12वें दिन यानी 24 तारीख को हम लोग राज्य में भी जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर के प्रदर्शन करने का काम करेंगे। मुख्य मांग जो हमारी है, मांग तो 21 के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें से मुख्य मांग जो है शिक्षकों की जो पुरानी पेंशन योजना थी वह लागू किया जाए। दूसरी मांग है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना जो शिक्षकों को थोप दिया गया है, एक तरफ सरकार कहती है कि शिक्षक को अलग कर दिया गया है, इस पर हाई कोर्ट का जजमेंट भी है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। बाहरी सरकार है, गुंगी सरकार है और वह नाहक शिक्षकों को फंसाना चाहती है। अभी देखिए एक आदेश निर्गत हो गया, वह आदेश बिल्कुल मतलब कि हिटलर शाही वाला आदेश है कि शिक्षक अपने घर से पैसा लगाएंगे, पॉकेट से एक महीने तक, ये
बहुत वाइटल पॉइंट है, आप लोगों को भी मीडिया किस चीज के लिए पैसा लगाना है? पैसा लगाना है जैसे कि अभी आदेश हो गया कि हर विद्यालय में मध्याह्न भोजन चलाना है, उसके लिए कोई राशि निर्गत नहीं की गई है। एक महीने तक प्रधानाध्यापक अपने घर से पैसे लगाएंगे, उसके बाद उसका भाउचर और बिल पुटक करेंगे कार्यालय को, वह बिल पास होगा तब आपको भेंडर के माध्यम से आपका भुगतान होगा। कहीं शिक्षक है नहीं, शिक्षक सरकार कहती है कि इसमें शिक्षक कहीं नहीं है, फिर भी वो शिक्षक को ही तो आगे आंदोलन में क्या स्वरूप होगा? आज तो एक दिवस आगे आंदोलन का स्वरूप होगा, फिर हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। अभी तो 24 तारीख को हमारा राज्य में है, 24 तारीख को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, और उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग आमरण अनशन करने का भी काम करेंगे। नाम बता साथ ही एक दो मांग और जो है हमारी, जो लोकल मांग है, जिले स्तर की मांग है कि हमारे शिक्षकों के लिए जो 15% बढ़ा कर देने की बात थी वो आज तक नहीं मिला, वो अपनी लेखी से ही लागू करना है। उसको हम लोग चाहते हैं कि इस मार्च के अंत तक डीओ साहब इसको सबका पेमेंट करा दें, जितने एरियर हैं या भी लोकल स्तर की मांग है इसका भी वो भुगतान करा दें। कृष्ण सिंह विमल उपाध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का यह धरना दिया, धरना महिलाएं शिक्षिकाएं भी शामिल है, क्यों आप लोग आए हुए हैं? हम लोग सभी महिलाएं राष्ट्रीय शिक्षा महिला मोर्चा से हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ गोपुर, उनसे हमारी कुछ धरना में यह कुछ प्रदर्शन रखा गया है, मांगों को लेकर कुछ प्रदर्शन रखा गया है। सबसे पहला मांग है जो प्रधानमंत्री पोषण खाना का जो भी योजना है, मध्याह्न भोजन का जो भी योजना है, उस योजना से शिक्षकों को मुक्त कर देगा, सबसे पहला। और दूसरा मांग गैर शैक्षणिक कार्य, जो भी शैक्षणिक कार्य से मुक्त, गैर शैक्षणिक कार्य जो भी कार्य होता है उनसे मुक्त कर देगा। तीसरा है 15% जो बढ़ोतरी हुई है, अभी तक जो मिला नहीं है हम लोगों को, उनसे मिलने के लिए उनको मतलब एरिया 15% जो बढ़ोतरी हुई है उनको जनवरी फरवरी में लागू कर मार्च होली के पहले करवाने का मांग। और तीसरा है, चौथा है 9% जो एरिया संबंधित जो भी है विचार रखा जाए और उस रखने के माध्यम से उसको जल्दी से एरिया का भुगतान किया जाए। ठीक, नाम बताइए आपने? प्रियंका सर। कहाँ के शिक्षिका है? कन्या प्राथमिक विद्यालय की। क्या मुख्य देखिए, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपुर और राष्ट्रीय महिला मोर्चा भोजपुर के बैनर तले जो है आज प्रदर्शन और एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है, जो ये राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार है। आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर जिला पदाधिकारी कार्यालय समाहरणालय के पास जो है धरना प्रदर्शन का काम किया जा रहा है। इसमें मांगे तो हमारी शिक्षकों की चीर परिचित बहुत है, 21 है, लेकिन उसमें जो प्रमुख मांगे हैं मैं उस पर अपना विचार देना चाहूँगा और सरकार से मांग करूँगा। पहली मांग हमारी है कि पुरानी पेंशन योजना जो थी कई राज्यों में लागू हो गया और यहाँ भी उसको लागू किया जाए। दूसरी बात है कि पीएम पोषण जो पहले मध्याह्न भोजन के नाम से चलता था आज उसका नाम बदल करके केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना रख दिया है। नाम तो बदल दिया लेकिन काम वही रह गया शिक्षकों के पास। तो हमारी मांग है, हमारे संगठन की मांग है कि उससे शिक्षकों को मुक्त किया जाए और उनको केवल और केवल पढ़ने और पढ़ाने के काम में लगाया जाए, एनजीओ के माध्यम से खाना विद्यालयों में दिया जाए। तीसरी चीज है कि नियोजित शिक्षकों का 1/4/21 से जो नया वेतन बढ़ोतरी हुआ है 15% का, अभी जो है 1 साल होने को जा रहा है लेकिन इसका भुगतान नहीं हुआ, उसको सरकार जो है तकनीकी कारणों से लेकर सुलझाई है। तो हमारी मांग है पूरे बिहार सरकार से कि ये जो है होली के पहले इसका भुगतान किया जाए, नहीं तो हम लोग चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। सरकार तो हमेशा करती है लेकिन सरकार कुछ बात नहीं, सरकार कहती है लेकिन 2 साल जो है कोरोना के नाम पर सरकार ने पूरे जनमानस का आवाज बंद कर दिया था, उसमें शिक्षकों की आवाज बंद थी। अपने धरना के माध्यम से क्या सरकार के बात कहेंगे? हम इस धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि जो हमारी 21 सूत्री मांगे हैं उसको यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए, नहीं तो हम अगला कार्यक्रम करेंगे और इसे विशाल जो है प्रदर्शन करने का काम राज्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राजाराम सिंह प्रियदर्शी, जिला अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ।